इसको तोड़ो पहले तो, इसको तोड़ो पहले तो। राकेश मिश्रा जी पहले, सबसे पहले संघर्ष देखेंगे या हर हरकत? इसको तोड़ो पहले तो, इसको तोड़ो पहले तो। ये आप लोग की उम्मीद रखते हैं कि वो लोग किसी का चीज नहीं देखेंगे और सारे लोग देखने जाएंगे? आपने कभी पूछा है कौन जी से कि कौन जी अपने राकेश मिश्रा का ये गाना क्यों देखने जा रहे हैं? बिल्कुल मौका मिलेगा तो जरूर, मौका मिलेगा तो भैया जरूर पूछेंगे। आप पूछे हैं हाँ कि ना? इसको तोड़ो पहले तो, इसको तोड़ो पहले तो। साथ राकेश मिश्रा जी हैं भैया, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन भैया। गाना रिलीज हुआ आपके ऑफिशियल से और रिलीज होते ही ऑडियंस का भर भर के प्यार मिल गया। स्टार न्यूज के सभी दर्शकों को हैप्पी नवरात्रि और आप सबका आशीर्वाद प्यार मिलता रहे, और खास करके इस नवरात्रि में आप सभी को माँ दुर्गा की असीम कृपा। भैया चाहेंगे सबसे पहले इस इंटरव्यू का शुरुआत जो है इस गाने से ही करते हैं। ये मैया दो लाइन भैया ये मैया देखनी कमाल कारीगरी देखते ही देखते रूप देले गौरी। बहुत अच्छा लग रहा है भैया। और ये भगवा रथवा टू ये भी ऑडियंस का भर भर के इसमें भी प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे भैया? भगवा रथवा टू जिस थोड़ा लेट आया, मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लेट आया क्योंकि मैं कुछ और में ही बिजी था, बट आई नो कि वो गाना आप लोगों को बहुत पसंद आएगा जब उसको आप धीरे धीरे सर्च करके और जब सुनेंगे बजाएंगे बहुत मजा आएगा। और भैया कौन कौन सा, अभी नवरात्र शुरू ही हुआ है, अभी कौन कौन सा प्रोजेक्ट जो है आने के लिए तैयार है? बस जितने प्रोजेक्ट आने थे आगे तीसरे से आया है गाना। क्या कहा तरफ भाई? नौमी के पुजारी SRK म्यूजिक से आया है, मैया के आरती लगा के उसके बाद ऑफिशियल पे तीन गाना डाले हैं। कल परसों सास म्यूजिक वर्ल्ड से गाना आ रहा है लघुवानी के महारानी, तो बस यही लास्ट गाना परसों आएगा। भैया सुनने में आ रहा है कि त्रिमूर्ति म्यूजिक से आपका एक बहुत ही बड़े लेवल का एक गाना और आया है मैया के कृपा, एक नंबर म्यूजिक से वो गाना धमाल। भैया त्रिमूर्ति म्यूजिक से आपका एक बहुत ही बड़े लेवल का प्रोजेक्ट आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो उसका म्यूजिक ही 3-4 लाख का बजट का खाली म्यूजिक ही बना है। हमको कुछ पता जैसे सही में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमको कुछ पता नहीं है। अब आलम भाई शायद आए थे ना पटना में, अब सब का बोल दिए हैं वो ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये वो खुशी में अपनी जो भी बात बताए हैं, बट हाँ प्रोजेक्ट सच में अच्छा है और खर्चा हुआ है, आने वाला है, यानी कि बवाल आने वाला है, आने वाले तूफान से पहले की शांति कह ली। हम ये सब नहीं बोलेंगे यार, हमको नहीं अच्छा लगता है, हमको लग रहा है कि गाना है अच्छा है और आपको अच्छा लगेगा, एक अलग 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 फ्लेवर में आ रहे हैं, जिस फ्लेवर में आपने बहुत दिनों समय नहीं लाया हूँ गाना अच्छा। भैया सुनने में ये भी आ रहा है कि टी सीरीज से आपका एक बहुत ही बड़े लेवल का प्रोजेक्ट आने वाला है और आप खुद ही ऐसा कहते हो नजर आ रहे हैं कि भोजपुरी का ही गाने को कुछ अलग अंदाज में पेश कर रहा हूँ, जो भोजपुरी का बहुत ही बड़े लेवल का सॉन्ग जी। कहीं भैया लॉलीपॉप को ही टू वर्जन तो नहीं करके ला रहे? लॉलीपॉप के लिए जिसके आवाज में लॉलीपॉप अच्छा लगता है वो उसको लॉलीपॉप साहब ही लॉलीपॉप बुलाएंगे, पवन भैया हैं उसके लिए, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, अपने को अपने काम में छेड़छाड़ करना है, उनके काम में नहीं। वो भैया सवाल इसलिए था क्योंकि आपने कहा भोजपुरी का ही गाना है और उसको ही हम अलग अंदाज में पेश कर रहे हैं। अरे भाई तो भोजपुरी का गाना आपको थोड़े पता चलेगा कितना गाना है, वो सब काम हमारा है ना, जैसे न्यूज आपको पता है, आप सुनते रहते हैं कौन कहाँ आ रहा है, उसी तरह हमारा काम है संगीत। अब भैया अभी छठ के कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है भैया रेडी हो गए, छठ के गाने जो है हमारे ऑडियंस को कब देखेंगे? छठ में 3 गाने आ रहे हैं बस, और 3 गाने रेडी हैं। पहला गाना आ रहा है किसी ऑफिशियल से ही आएगा, तीसरी से ऑफिशियल से, और एक और गिरिराज की। भैया अभी फिल्मों को लेकर के क्या प्लानिंग है और क्या अपडेट है, फिल्मों में कौन कौन सा फिल्म जो है हमारे ऑडियंस को देखने को मिलने वाला है? अभी ऑडियंस को सिर्फ मेरा स्टोरी रेडी हुआ है, फिल्म अभी देखने को नहीं मिलेगा, अभी सिर्फ ऑडियंस को राकेश मिश्रा में दिन प्रतिदिन बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि हम कुछ कहीं और वर्किंग में लगे हैं। राकेश भैया अभी कुछ और वर्किंग में लगे हैं तो इसलिए फिल्म जो है अभी ऑडियंस को नहीं देखने को मिलेगा। भैया एक तरफ आपके बड़े भाई की फिल्म आ रही है ओन भैया की हर हर गंगे, और एक तरफ आपकी आपके अपने मतलब करीबी मित्र यानी कि दोस्त कह लीजिए खेसारी लाल यादव की संघर्ष आ रही है, राकेश मिश्रा जी दोनों फिल्म में से किसको सबसे ज़्यादा प्यार देंगे? दोनों लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपने अपने होते हैं तो इसलिए इसमें प्यार कम और ज़्यादा की बात नहीं, प्यार और कम और ज़्यादा और अच्छा बुरा ये सारा डिसीजन जनता जनार्दन,
और जो फिल्म के क्रिटिक्स होते हैं, जो न्यूज निकालते हैं, जैसे आप लोग सारे लोग, हमारा काम है जैसे वो लोग अपने लाइफ में काम कर रहे हैं उसी तरह हम एक आर्टिस्ट हम अपना काम करते हैं। तो क्या राकेश मिश्रा जी पहले सबसे पहले संघर्ष देखेंगे या हर हर देखेंगे? नो डिसीजन, मैं कुछ भी नहीं देखूंगा क्योंकि मेरे पास इतना काम है कि मैं कैसे देख पाऊंगा। क्या बोला मैं, क्या बोला कि जैसे उनका काम है कि एक फिल्म के बाद अगला एक अच्छा फिल्म देना है, उसी तरह मेरे जीवन में तो काम है। हम कौन आपकी तरफ आगे घूम के खड़े चलाते हैं, उनकी कलाकारी करते हैं। तो ये आप लोग क्यों उम्मीद रखते हैं कि वो लोग किसी का चीज नहीं देखेंगे और सारे लोग देखने जाएंगे? लेकिन होता है क्या? नहीं बिल्कुल, जब मान लीजिए आपने कभी पूछा है कौन जी से कि कौन जी अपने राकेश मिश्रा का ये गाना क्यों देखने जा रहे हैं? बिल्कुल मौका मिलेगा तो जरूर, मौका मिलेगा तो भैया जरूर पूछेंगे। इसको तोड़ो पहले तो।